स्वागत दोस्तों आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने गवर्नमेंट टैब के अंदर गूगल और यूट्यूब को कैसे चला सकते हैं। और दोस्तों मुझे भी पता है कि आप सब कहेंगे कि मेरा प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक नहीं हो रहा है, मेरे टैब के अंदर गूगल तो ओपन हो रहा है लेकिन उसके अंदर साइट नहीं चल रही है। दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम का सलूशन आपको इसमें देने वाला हूँ और जो मैं आज गूगल ओपन करने वाला हूँ उसके अंदर आप सभी साइट को ओपन कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना, एक भी चीज़ को मिस मत करना। और दोस्तों वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ ये ट्रिक 90% लोगों के टैब के अंदर वर्क कर जाएगी लेकिन 10% के टैब के अंदर नहीं कर पाएगी। तो इस ट्रिक को एंड तक देख लो, अगर ये ट्रिक आपकी वर्क करती है तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर नहीं करती है तो भी कमेंट में बताना, मैं इस पर नई वीडियो बना दूंगा जिससे कि मुझ पर मैंने एक ट्रिक और निकाल लिया जिससे कि आप गूगल को ओपन कर पाएंगे। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि जब से हमारे गवर्नमेंट टैब में नई अपडेट आई है आप गूगल और यूट्यूब इसके अंदर नहीं चला पा रहे हैं, आपका प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक नहीं हो रहा है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप जैसे कि यहाँ पर सिंपली से प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक पर क्लिक करते हैं और सेंड फीडबैक पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक नहीं होता। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप प्राइवेसी पॉलिसी पर क्लिक कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना, एक भी चीज़ को मिस मत करना, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली इस बटन को और इस वॉल्यूम डाउन बटन को आपको सिंपली से प्रेस करके रखना है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर प्रेस करके रख लेता हूँ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपका फ़ोन हवर रिस्टार्ट लग जाएगा और इसमें कुछ बग आ जाएगा जिससे कि आप इस टैब को स्विच ऑफ कर सकते हो। और स्विच ऑफ करने के बाद इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पर यूट्यूब चला पाओगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली टैब को यहाँ पर रिस्टार्ट हवर कर देना है और जब ये ओपन होगा तो दोस्तों जब ये अब आप ओपन होगा तो हम इसमें जल्दी से इसको स्विच ऑफ हवर कर देंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, एक भी चीज़ को मिस मत करिएगा वरना आपका इसके अंदर जो सब YouTube और Google है वो नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ओपन होने वाला है और अब हमें सिंपली यहाँ से ऊपर पर इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। और अब आपको जल्दी से स्विच ऑफ पर क्लिक करके इसको स्विच ऑफ टैबलेट कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा स्विच ऑफ अब हो गया है, आपके सामने मैं लाइव प्रूफ ये दिखा रहा हूँ। और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ कर लीजिए। तो दोस्तों अब इसको पूरी तरह से आपको देख लेना कि स्विच ऑफ हो गया क्या। स्विच ऑफ होने के बाद थोड़ा वाइब्रेट होता है तो आपने देख लेना ये पूरी तरह से स्विच ऑफ हो गया। तो पूरी तरह से स्विच ऑफ होने के बाद आपको इस बटन को और इस वॉल्यूम अप वाले बटन को आपको प्रेस करना है, इसको और इसको आपको प्रेस करके रखना है यहाँ पर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको प्रेस करके रख लेता हूँ। दोस्तों अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो आ जाएगा और देख सकते हैं दोस्तों अब आपको यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा वाइप कैश पार्टीशन, इसको आपको यहाँ पर वॉल्यूम डाउन से इसको नीचे लाकर यहाँ पर आपको सिंपली से पावर ऑफ वाले बटन पर क्लिक करके इसको ओके वो कर देना है। और अब आपको नीचे वॉल्यूम डाउन वाला बटन दबाकर इसको यस पर लेकर आना है और इसको ओके आपको कर देना है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर फिर से इस वाले बटन को क्लिक कर देना है। और दोस्तों अब आपका ये जो टैब है वो रिबूट यहाँ पर हो चुका है और मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखाने वाला हूँ वीडियो में, बस आपको एंड तक बने रहना है। दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन है वो हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ओपन होने लग गया है, अब आप थोड़ी देर यहाँ पर वेट करिएगा। और दोस्तों अब आपको यहाँ पर सिंपली से आई के बटन पर यहाँ पर क्लिक करना है, सेटिंग पर आपको सिंपली से प्रेस कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर वाईफाई के अंदर है वो चले जाना है और यहाँ से आप अपने प्ले स्टोर को साइड की से ओपन यहाँ पर कर लेना है। और ऐसा करने के बाद यहाँ पर सिंपली से आपको प्रेस करना है, हेल्प एंड फीडबैक के अंदर चले जाना है, सेंड फीडबैक पर सिंपली से क्लिक कर देना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली से प्राइवेसी पॉलिसी
पॉलिसी पर क्लिक कर देना है और दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार फेस वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सिंपली ऊपर डॉट डॉट दिख रहे होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और गूगल पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों इस वाले गूगल में आप सभी चीज़ों को चला पाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो को लेकर, लाइक कर दो। अगर आपका इस वीडियो से नहीं चलता तो मैं नई वीडियो बना दूंगा, कमेंट में आपको बता देना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।